तो रिसेंटली मेरे पोको X3 में MIUI वर्जन 13 का स्टेबल अपडेट आया था एंड मेरा डिवाइस अभी एंड्रॉइड वर्जन 12 पे रन कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अबाउट डिवाइस में MIUI वर्जन 13.0.1 का स्टेबल वर्जन देखने को मिल जाता है एंड एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो मेरे फोन में एंड्रॉइड वर्जन आपको यहाँ पे 12 देखने को मिलता है। तो MIUI 13 के अपडेट के साथ जो पोको X3 में आपको गेम टर्बो देखने को मिलता था वो कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज हो चुका है। फटाफट एक बार इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन के साथ ये अब ओपन होता है एंड यहाँ पे आपको सभी गेम्स देखने को मिल जाते हैं जो भी गेम्स आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करके रखा होगा। एंड गेम टर्मो में ही आपको यहाँ पे आपके फोन की बैटरी परसेंटेज, सीपीयू यूसेज एंड जीपीयू यूसेज देखने को मिल जाता है एंड आप लोग यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके और भी गेम्स वगैरह ऐड कर सकते हो अपने गेम टर्मो में। एंड गेम टर्बो की सेटिंग्स को मैनेज करने के लिए आपको जो सेकंड वाला आइकन है इस पे क्लिक करना है, देन यहाँ से आप लोग इसके जनरल सेटिंग्स वगैरह एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन ऑन करके रखा हुआ है एंड यहाँ पे आपको एडिशनल फीचर गेम के रिलेटेड देखने को मिल जाता है। जैसे कि मेरे फोन में अभी BGMI शो हो रहा है एंड इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो मैं इस गेम के अकॉर्डिंग अपने टच रिस्पॉन्स एंड यहाँ पे जो सेंसिटिविटी है इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ जो कि मेरे केवल इस गेम के लिए कस्टमाइज होगा। तो सब कुछ मैंने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है। फटाफट यहाँ पे गेम लॉन्च करते हैं, स्टार्ट प्लेइंग। जैसे गेम ओपन करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में अपर साइड में आपको एक बार देखने को मिलेगा एंड जैसे ही आप लोग इस पे स्लाइड करोगे आपका जो गेम टर्बो है ये ओपन हो जाएगा एंड यहाँ भी आप लोग काफी सारी सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हो एंड काफी सारे एप्लीकेशन को आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन करता हूँ तो मेरा पॉपअप में ये जो प्ले स्टोर है ये ओपन हो जाएगा। तो गेम टर्बो में आपको यहाँ पे क्लियर मेमोरी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, स्पेस क्लियर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से गेम अपना रिकॉर्ड कर सकते हो, DND का ऑप्शन सेट कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको वॉइस चेंजर भी देखने को मिल जाता है एंड वॉइस चेंजर में आपको इनबिल्ट डिफरेंट टाइप्स के वॉइस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको BGMI खेल के दिखाने वाला हूँ एंड गेम टर्बो का जो बूस्ट मोड मिलता है उसको ऑन करके चेक करेंगे कि हमें क्या स्टेबल FPS देखने को मिलता है या फिर कितना कॉन्स्टेंट FPS पोको X3 MIUI 13 के अपडेट के बाद मेंटेन कर पाता है। तो फटाफट मैं यहाँ पे बूस्ट परफॉर्मेंस जो इसको ऑन कर देता हूँ एंड जब आप लोग इसको ऑन करोगे ना तो दो चीज आपके फोन को इफेक्ट करेगा, एक तो बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन होगी एंड आपका फोन है हो सकता है कि थोड़ा बहुत हीट भी करे लेकिन परफॉर्मेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मैं यहाँ पे स्मूथ प्लस अल्ट्रा पे खेलने वाला हूँ, एंटी एलियसिंग ऑफ है एंड बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जायरो ऑन कर रखा है मैंने। तो फटाफट सबसे पहले एक TDM मैच खेल के देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे जो FPS दिख रहा है इस पे फोकस करना, मैं थोड़ा ना गेम पे फोकस करता हूँ एंड मैंने अपने फोन में यहाँ पे जो परफॉर्मेंस मोड होता है वो भी इनेबल करके रखा हुआ है। तो एक TDM मैच में ऑन एन एवरेज ना आपको अबव 35 FPS देखने को मिल जाता है जबकि यहाँ पे मैंने अपने फोन में जो परफॉर्मेंस मोड होता है इसको ऑन करा हुआ है। तो एक बार हम ना वॉर मैच खेलते हैं एंड इस बार ना मैं ये जो परफॉर्मेंस मोड है इसको ऑफ करता हूँ एंड फिर देखता हूँ मेरा जो फोन है ये मिनिमम कहाँ तक जो FPS है ये ड्रॉप करता है। तो इसको ऑफ कर देते हैं एंड स्टार्ट। एंड जब आप लोग परफॉर्मेंस मोड को एक्टिवेट करते हो तो आपका जो फोन है ये हीट अप होने लग जाता है एंड यहाँ पे जो मेरा फोन है ये भी पीछे की साइड से जो कैमरे के नीचे ये वाला पोर्शन है ये हीट अप हो चुका है जबकि नॉर्मल मोड में थोड़ा बहुत हीट अप होता है तो परफॉर्मेंस मोड में उससे थोड़ा ज्यादा होता है।
तो ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आप लोगों को पोको X3 में बिना यहाँ पे जो बूस्ट परफॉर्मेंस मोड का ऑप्शन दे रखा है इसको बिना एक्टिवेट करे भी आप लोग खेलोगे तो आपको ऑन एन एवरेज अबव 34-35 FPS ही देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा डिसेंट है। तो मेरे ख्याल से जो गेम टर्बो का जो परफॉर्मेंस मोड है उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है पोको X3 में। ओवरऑल जो मेरे को यहाँ पे वॉर मोड में FPS मिला वो भी 35-34 अबव था। TDM में मैंने यहाँ पे बूस्ट परफॉर्मेंस को ऑन करके खेला था, उसमें भी ऑन एन एवरेज 35 ही FPS देखने को मिला। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, एंड अपडेट करने के बाद कुछ भी यहाँ परफॉर्मेंस में फिलहाल के लिए डिग्रेड देखने को नहीं मिलता। गेमिंग भी आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया कर सकते हो MIUI 13 में अपग्रेड करने के बाद भी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों।